नमस्ते दोस्तों, अब मैं फिर से डॉक्टर भारती राठी आपके लिए राठी हॉस्पिटल से लेकर आई हूँ द्वितीय त्रिमाही के दूसरी तिमाही के बारे में जानकारी। दूसरी तिमाही की जैसे हमने पहले वीडियो में पहली तिमाही के बारे में देखा था, अब हम दूसरी तिमाही के बारे में देखेंगे। दूसरी तिमाही कैसी होती है, कैसा है, उसमें हमें क्या क्या करना है, मिथ्स क्या है, क्या खाना चाहिए, एक्सरसाइजेस क्या करनी है, बच्चे की बढ़न कैसे होती है, आप में क्या बदलाव आते हैं, ये सारी चीजें अब हम देखने चलेंगे द्वितीय त्रिमाही के बारे में। द्वितीय तिमाही जो है, दूसरी तिमाही जो है, सेकंड ट्राइमेस्टर, ये हमने पहले बताया था कि अब ये 14 हफ्ते से चालू होती है आपकी तिमाही, तो हमें ये 28 हफ्ते तक हम इसको द्वितीय तिमाही कहते हैं। मतलब दूसरे 3 महीने, चौथा महीना, पांचवा महीना, छठा महीना, ये 3 महीने जो है प्रेगनेंसी के, गर्भ का चौथा महीना, पांचवा महीना और छठा महीना, इसे हम सेकंड ट्राइमेस्टर यानी कि द्वितीय तिमाही कहते हैं। ये सबसे आपका बहुत ही कंफर्टेबल जर्नी का पार्ट है। 9 महीने का जो आपका प्रेगनेंसी का जर्नी है उसका सबसे कंफर्टेबल पार्ट मतलब ये द्वितीय तिमाही, क्योंकि जो पहले तिमाही में आपको जो वोमिटिंग, नौशिया, थकावट, जो प्रेगनेंसी एडजस्ट करने के लिए जो टाइम लगा 3 महीने का, उसके बाद में ये इस 3 महीने में आप एकदम सेटल हो जाते हो और आपको अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहती है। जैसे थकावट आपकी चली जाती है, नौशिया वॉमिटिंग नहीं रहता है, सुबह सुबह बिजीनेस, गिडीनेस जो रहता है वो नहीं रहता है, तो इसीलिए इसको हम सबसे कंफर्टेबल जोन कहते हैं। आखिरी 3 महीने में को भी इसीलिए कंफर्टेबल नहीं कहते क्योंकि तब बच्चा का वजन इतना बढ़ जाता है, आपको इतने बड़े बच्चे के साथ में चलना, उसके साथ में काम करना, उसके साथ में घूमना, ये सारी दिक्कतें आना, दूसरे प्रॉब्लम चालू हो जाते हैं। तो इस तरह हम ये द्वितीय तिमाही को सबसे आपका कंफर्टेबल जोन कहते हैं। तो इसमें आप इसीलिए कंफर्टेबल जोन में आप आपके बच्चे के पूरी आप आगे की शॉपिंग कर सकते हैं, आप अच्छे अच्छे एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, आप बच्चों के बारे में जो सोचते हैं तो बच्चे के घर में कपड़े छोटे छोटे बुन सकते हैं, सिल सकते हैं, जिससे कि आपका उसके प्रति अटैचमेंट भी बढ़ता रहे, उस बच्चे के बारे में आपकी सोच बनती रहे, आपकी प्लस आपके फैमिली की, आपके हस्बैंड की, आपके घर वालों की ये सोच बनती रहेगी, तो फिर उतना ही बच्चे से अटैचमेंट आपका बनता रहेगा। और ये यकीनन ये सच है कि गर्भ संस्कार होते हैं, आप अभी जो सोच रहे हैं वो आपका बच्चा सोचेगा, आपके पॉजिटिव विचार, आपके बच्चे के प्रति सोच, आपका बच्चे के प्रति अटैचमेंट, अभी जो 9 माह में हो रहा है वही आपका आगे चल के आपका जैसे बच्चे के साथ में आने के बाद में रहने वाला है। तो इसीलिए आप यदि अभी बच्चे के साथ में जितना अटैचमेंट करेंगे उतना आपके लिए आगे अच्छा है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था एक छोटा सा एक माइक्रोग्राम का जो सेल है ये प्रेगनेंसी में 2500 गुना ज्यादा वजन से बढ़ता है। मतलब समझो आप यदि ऐसा समझते हैं कि प्रेगनेंसी रहते समय आपका जो सेल था वो सिर्फ 1 ग्राम का था, ऐसा मात्र समझ लीजिए, तो एवरेज जो बच्चे का वजन है वो 2.5 किलो हम मानते हैं, तो 2.5 किलो का वजन हो रहा है मतलब 2500 ग्राम बढ़ रहा है, मतलब 2500 गुना ज्यादा आपकी एक सेल बच्चे में विकसित हो रहा है, इतना फास्ट 9 महीने के अंदर आपके पेट में हो रहा है। आगे लाइफ में आके इतनी फास्ट डेवलपमेंट कभी भी नहीं होगी। आप सोचिए अगले 9 महीने में यदि 2500 किलो से बढ़ जाए तो 2.5 किलो का बच्चा कितना 2500 किलो का हो जाएगा, कभी नहीं। तो इसीलिए ये आपकी फास्टेस्ट ग्रोथ का टाइम है, जितना आप बच्चे के साथ में रहेंगे, जितना बच्चे के साथ में समझेंगे उतना ही आपका अच्छा टाइम जाएगा। तो इसमें भी ये ज्यादा जो डिटेल है हर हफ्ते के अंदर जैसे आपका कैसा ग्रोथ हो रही है, कैसे बच्चे में विकास हो रहा है, तो उसके बारे में मैं इतना ज्यादा नहीं बताऊंगी। इतना ज्यादा ना लेते हुए जैसे मैंने पहले कहा कि 13 हफ्ते तक की प्रेगनेंसी हम पहली तिमाही में ही पकड़ लेते हैं, एक्चुअल तिमाही जो द्वितीय चरण की चालू होती है वो 14 हफ्ते से चालू होती है। इसमें हम जैसे बता रहे हैं कि बच्चे का वजन कैसा बढ़ रहा है, बच्चे का आकार कैसा है, अभी कितना साइज होता है, और बच्चे में कौन सी चीजें डेवलप होना चालू हो रही है, कौन से हफ्ते में बच्चे का कौन सा ऑर्गन या कौन सी चीज बन रही है। जैसे इसमें अभी हल्के हल्के से हल्के बाल आना, सफेद पना आना चालू हो जाता है, जिससे कि बच्चे को आगे जो उसके बाजू का जो पानी है उसके अंदर, पानी के अंदर रहना है तो बच्चे की चमड़ी सड़ना नहीं चाहिए, है ना, हम पानी में कितने समय तक रह सकते हैं, नहीं ना। तो जैसे बच्चे का भी ये ना हो इसीलिए बच्चे के शरीर पे एक सफेद कलर की आवरण पैदा होती है, उसको हम लैन्यूवा और वर्निक्स कैसियोसा कहते हैं।
ये बच्चे को उस पानी में रहने के लिए प्रोटेक्शन के लिए जमा करता है, जो इसकी वजह से बच्चा जो एमनियोटिक फ्लूइड मतलब बच्चे का जो गर्भ जल है उसके अंदर रहने के लिए प्रोटेक्ट, उसकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है। इसी के साथ बच्चे का अभी स्वॉलो करना, बच्चे का पानी निकलना, पानी बाहर छोड़ना, ब्रीदिंग थोड़ा सा बढ़ जाना, एक्टिविटीज बढ़ना और रिदमिकल एक्टिविटीज बढ़ना, रिदमिकल मूवमेंट्स बढ़ना, ये सभी चीजें अब चालू हो जाती है क्योंकि अब बच्चा एम्ब्रियो ना रहते हुए एक बच्चा कहलाता है। तो इसीलिए इसका विकास भी वैसा ही होना चालू हो जाता है। 15वें हफ्ते में यदि आप देखते हैं तो बच्चा एक जैसे सफरचंद के जितना एक बन गया है, सफरचंद की साइज का बच्चा बन गया है। आप इसका देखेंगे, इसके मसल्स और स्ट्रॉन्ग बन गए हैं, इसको सकिंग आ गया है। आप देख सकते हैं कि 14वें हफ्ते से ही सकिंग करना सीख गया है, क्योंकि इसके इसी के साथ इसका माउथ वगैरह डेवलप होना भी चालू हो जाता है, इसकी हड्डियां एकदम मजबूत बनना चालू हो जाती है। और इसीलिए हम कहते हैं कि दूसरी तिमाही में आपको अधिक से अधिक कैल्शियम और अधिक से अधिक आयरन की जरूरत है, विटामिन्स की जरूरत है, क्योंकि इसमें बच्चे का ब्रेन का विकास, बच्चे के बॉडी का, शरीर का विकास, मसल मास का विकास ये सबसे ज्यादा है। तो आपको खाना भी उतना ही अच्छा खाना चाहिए, बैलेंस डाइट लेना चाहिए, ना कि डबल डाइट। 16वें हफ्ते में हम देखते हैं बच्चा कैसे कितना बढ़ गया है, तो एक एवोकाडो की साइज के जितना बच्चे का साइज हो गया है, बच्चे का ब्रेन का विकास और बढ़ रहा है, बच्चे के बाल थोड़े से और डीप बनते जा रहे हैं। यदि आप दूसरी बार में यदि आप गर्भवती है तो आपको अभी से किक मूवमेंट भी चालू हो सकती है, इसमें आपको पता चल सकती है। और आप सोचेंगे कि इसमें अब 16वें हफ्ते में बच्चा आपका लगभग 24 लीटर ब्लड रोज का पंप करता है। आप सोचिए कि कितना ब्लड रोज पंप कर सकता है बच्चा। ठीक है, जब जन्म के समय इससे ज्यादा चाहिए, 12 गुना इससे ज्यादा बच्चा ब्लड पंप करेगा, पर अभी से अब वो पंप करना चालू हो जाता है और उसका ऑक्सीजनेशन और नाली में से ब्लड लेना सभी चीजें उसकी ऑलरेडी चालू हो चुकी है, पूरी तरह से विकसित हो चुकी है। सबसे मेन बात 16वें हफ्ते में आती है तो ये जो अपर लिप्स है उसका ये जो बीच का पार्ट है, यहाँ जो डिप्रेशन हम सबको आता है, इसको हम फिल्ट्रम कहते हैं, तो ये फिल्ट्रम की डेवलपमेंट भी चालू होता हो जाती है। तो ये फिल्ट्रम के डिप्रेशन बनना चालू होता है तो बच्चे के चेहरे का जो है ये एक अलग चेहरा, एक एडल्ट के जैसे चेहरे की एक शुरुआत और अच्छे से हो गई है। 17वें हफ्ते में हम देखते हैं कि बच्चा कैसा बन रहा है, बच्चे के और भी ग्रोथ के जो है हम बता रहे हैं कि जैसे हड्डियां और मजबूत बन जाती है और स्ट्रॉन्ग कार्टिलेज बन जाता है और बच्चा अच्छे से स्ट्रॉन्ग और थिक बन जाता है। 18वें हफ्ते में भी वैसे ही बच्चे का साइज जो है आप देख रहे हैं कि किस तरह से और विकसित हो रहा है, इसके अंदर ही इसके साथ में इसको अभी हियरिंग जो है वो 16वें हफ्ते से ही चालू हो जाती है, पर 18वें हफ्ते से और अच्छे से बच्चा सुनना चालू कर देता है। तो आप जितना बच्चे से अभी इस समय बात करेंगे उतना आपका बच्चा बहुत अच्छा आपके साथ में उसका अटैचमेंट बात करने का रहेगा। आप इसमें ही इसीलिए जो गर्भ संस्कार कहते हैं कि गर्भ संस्कार में वो बच्चे को पेट में से ही सुनाना चालू करते हैं, जैसे हमारे महाभारत से ये चलता आ रहा है, हमने सुना है कि अभिमन्यु ने अपनी माँ की पेट में ही चक्रव्यूह तोड़ना सीख लिया था, पर बाहर निकलना नहीं आया था उसे, वो सुनते समय उसकी माँ सो गई थी इसलिए वो सीख नहीं पाया था पेट में। तो आपका बच्चा भी अभी से यदि आप समझो अंदर आप कुछ बोल रहे हैं, आप अपने बच्चों से जो बातें कर रहे हैं, आपका बच्चा उन बातों को समझ रहा है, सीख रहा है। तो अच्छे से अच्छी चीजें पढ़िए, अच्छे से अच्छी चीजें सुनिए, अच्छा म्यूजिक सुनिए जो बच्चे के कर्ण मधुर हो, और उसको अच्छी चीजें अभी से श्लोक वगैरह जो सुनेंगे वो बच्चा उसको अडॉप्ट करे और अच्छी चीजें सीखे, ताकि उसका मेंटल डेवलपमेंट और आपके साथ का अटैचमेंट का डेवलपमेंट भी बहुत अच्छे से बनता रहे। ऐसे ही 19वें हफ्ते का भी जैसे बच्चे की ग्रोथ विकास और अच्छा हो रहा है, और हम इसी समय में कहते हैं कि भाई अब बच्चा अच्छे से विकसित हो गया है, तो इसी समय के दौरान आपके डॉक्टर आपको कुछ इन्वेस्टिगेशन जो स्पेशल है इसके बताएंगे, तो मैं भी आपको आगे लेकर बताऊंगी। तो आपको आपका बच्चे का विकास जैसे इसमें ब्रेन का विकास जो है और भी अच्छे से विकसनशील होता है, और 20वें हफ्ते में आपको एक स्पेशल चीज, यदि आप पहली बार माँ बन रही है तो 20 या 20 हफ्ते के बाद से आपको एक चालू होती है, उसे हम कहते हैं क्विकनिंग। क्विकनिंग जो चालू हो जाता है मतलब बच्चे की जो मूवमेंट है आप पहली बार फील कर सकते हैं यदि आप पहली बार माँ बन रही है। आप यदि दूसरी या तीसरी बार माँ है तो आप ये 16वें हफ्ते से कभी भी फील कर सकते हैं, पर
पहली बार माँ बन रहे हैं तो कोई कोई बहुत सेंसिटिव वुमेन है तो वो 18वें हफ्ते में फील कर सकती है, पर 20 हफ्ते तक आपको आ ही जाती है और आपकी जो लेयर बन रही थी, जो वर्निक्स बन रहा था, वो अभी काफी थिक बन चुका है, इसीलिए आपका स्वॉलोइंग और अच्छे से बन जाता है। आपका जो आप जो पानी पी रहे हैं वही पानी आपका बाहर निकाल रहे हैं, जिससे कि आपका बाहर का फ्लूइड भी अच्छे से बन पा रहा है। इसी तरह 21वें हफ्ते की भी ग्रोथ जो है, इसमें स्किन अभी भी थोड़ी ट्रांसपेरेंट ही है, पिंकिश रेड कलर की ही है। आपका एक जो साइज है, एक कैरेट के साइज का हो गया है, एक कैरेट के साइज का लंबाई आपकी हो गई है करीब, इतने समझिए आप। तो जैसे इसी तरह आपका साइज विकसित हो चला है और साथ ही साथ आपके मसल्स, आपके बोन्स, ये सारी चीजें स्ट्रॉन्ग बनते चली है। 22वें हफ्ते में आपकी आंखें बहुत अच्छे से और बन रही है। हम कई शास्त्रियों ने कई बार ये किया है कि यदि आप 20वें हफ्ते में समझो माँ की पेट में कभी लाइट छोड़ते हैं, दूरबीन के द्वारा लाइट छोड़ते हैं, तो बच्चा अपना हाथ आंखों के सामने ले आता है, वो लाइट से अपने आंखों को प्रोटेक्ट करने के लिए रिफ्लेक्सली बच्चा अपना हाथ सामने ले आता है। तो ये आपकी सारी मूवमेंट्स भी जो है ये अभी 20 हफ्ते के बाद से चालू हो गई है। बच्चे का अपना सेल्फ प्रोटेक्शन उसको समझने लगा है, वो अपने आप का प्रोटेक्शन भी करना जानता है। तो ये सेकेंड ट्राइमेस्टर में ऑल ऑन एन एवरेज 15वें हफ्ते से ही चालू हो जाता है, पर ये 20वें हफ्ते के बाद और ज्यादा अच्छे से विकसित हो जाता है। 23वें हफ्ते में भी आपके बच्चे का साइज और बढ़ रहा है, उसी से ही साथ में सेल्स जो है वो और स्ट्रॉन्ग होते चलिए, हर एक जो बॉडी का ऑर्गन जो बन रहा है उसकी डेवलपमेंट हो रही है, उसका साइज बढ़ रहा है और बेबी जो है ये साउंड के लिए और ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है। 24वें हफ्ते में जैसे हमने अभी देखा कि ये बच्चे का विकास अच्छे से होता है और इसको अब हम वायबल फिटस कहते हैं। यदि आज यदि इस बच्चे का इतना अच्छा विकास हो गया है कि बहुत अच्छे न्यूनेटल सेंटर्स हैं, तो वो 25वें हफ्ते का बच्चा, मतलब 24 हफ्ते की ग्रोथ कंप्लीट हो गई और आपको 25वां हफ्ता लग गया, तो हम ये 25वें हफ्ते का बच्चा जिंदा रह सकता है। ऑस्ट्रेलिया में ये आम बात है कि 24 हफ्ते के बच्चे जिंदे रहते हैं यदि गलती से प्रीमैच्योर डिलीवरी हो जाती है। इंडिया में 25वें हफ्ते के कई बच्चे हैं जो बॉम्बे के अच्छे अच्छे सेंटर्स में डिलीवर हो रहे हैं और जिंदा रह रहे हैं, भले ही उनका वजन करीबन 500-600 ग्राम ही क्यों ना हो, पर वो बच्चे आज बहुत अच्छे से विकसित होकर वापस अकोला भी आ चुके हैं और बड़े हो चुके हैं। ऐसे कई बच्चे मेरी नजर में भी है जो यहाँ से बॉम्बे डिलीवर करके आए, जिनको बहुत प्रॉब्लम्स थी और होने के बाद में यहाँ आके आज बहुत अच्छे से डेवलप हो चुके। तो ये वायबल पीरियड का टाइम चालू हो गया 24 हफ्ते के बाद में, जब बच्चे का बाहर का सर्वाइवल रेट बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि बच्चे के सारे ऑर्गन्स विकसित हो चुके, अब सिर्फ उनको साइज में बनना बाकी है। ठीक है, सिर्फ इसके अंदर जो नहीं बन पाता है वो है आपके फेफड़े, जो कि फेफड़े की मजबूती जो है, जैसे जैसे हफ्ते वाइज आपका विकास होएगा वैसे वैसे आपके फेफड़े बहुत अच्छे मजबूत बनते चलेंगे और तभी वो बाहर की दुनिया में अपने आप से बिना इंक्यूबेटर के, बिना ऑक्सीजन के सांस ले सकेंगे। तो फेफड़े का विकास के छोड़ के बाकी बच्चा आपका वायबल हो चुका है। इसी तरह 26वें हफ्ते में भी अभी जो है, अभी आपके लंग्स बहुत अच्छा डेवलप होना चालू हो रहे हैं, इसके अंदर जो है फेफड़ों के अंदर जो बारीक बारीक एल्वियोला है, जो लंग्स की ब्रांचेस है, वो और ज्यादा विकसित होने लगी है। इसी के साथ में जैसे इसमें एयर सैक्स जो है वो अभी हल्के हल्के उसमें मूवमेंट्स होना चालू हो सकते हैं। बेबी के अभी जो है इसी के साथ गम्स है, जो दांतों की रचना है, ये भी डेवलप होना अच्छे से चालू हो जाती है। 20 हफ्ते के बाद में फिर हम देखते हैं 27 हफ्ते में भी बच्चे का साइज जो है वो बढ़ते चला है। अभी और बच्चे का हेड का जो साइज है, अभी ब्रेन का विकास है, वो मैक्सिमम हो रहा है। और इसमें अभी अब बच्चा, आप सोचेंगे इसमें हम एक पैटर्न देखते हैं, हम यदि एक इस बच्चे की धड़कन यदि हम मशीन में देखते हैं, जिसको हम कार्डियो टोकोग्राफ बोलते हैं, तो कार्डियो टोकोग्राफ में हम ये बच्चा सो रहा है या नहीं सो रहा है ये भी देख सकते हैं। तो 27 हफ्ते के बाद बच्चा पेट में सोना भी चालू कर देता है, तो इसको हम साइक्लिंग कहते हैं। तो आपका बच्चा यदि जगा है तो उसका हार्ट का उसका पैटर्न जो रहेगा वो अलग रहेगा, उसकी वेरिएबिलिटी जो बीट टू बीट रहेगी वो अलग रहेगी, और जब ये बच्चा सोता है तो इसकी बीट टू बीट वेरिएबिलिटी अलग रहेगी। तो ये साइक्लिंग पैटर्न जो है कार्डियोटोकोग्राफी पे, ये हमें कार्डियोग्राफी पे ये हमें 27 हफ्ते के बाद देखने मिलता है, जब बच्चा अभी सोना भी चालू कर देता है।
आठवें 28वें हफ्ते में ये बच्चे का और अच्छा सेकंड पड़ाव का विकास जो है ये अंतिम चरण पे आ गया है। इसी सेकंड चरण का इसमें जैसे है बच्चे का ब्रेन के सेल्स जो है माइलिन शीथ वगैरह जो है सेंसिटिविटी जो है ये बच्चे के और अच्छे से बढ़ना चालू हो जाते हैं, उसके रिफ्लेक्सेस और फास्ट डेवलप होना चालू हो जाते हैं, उसकी एक्टिविटी में रिदम और बहुत अच्छा आना चालू हो जाता है। इस बच्चे को आप ये समझिए कि ये सब कुछ समझ सकता है, आपकी जो समझ है आपका जो चाल चलन है बच्चे के साथ ये सब कुछ इसके अंदर आ चुका है। तो इस तरह आपके सेकेंड जो चरण है द्वितीय चरण में जो है ये गर्भ का विकास 28 हफ्ते तक कंप्लीट परिपूर्ण हो जाता है। इस द्वितीय चरण में आपके शरीर में क्या चेंजेस आते हैं एज अ प्रेग्नेंट लेडी आप क्या महसूस करती हैं? तो आपको कभी कभी इसके अंदर जैसे है बच्चे का जितना फास्ट विकास हो रहा है उतना आपका खाना भी बहुत अच्छा चाहिए, अदरवाइज आपका जैसे है आपके विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से विटामिन की कमी की वजह से कई बार दांतों से या गम्स में से ब्लीडिंग होना चालू हो जाती है, ये विटामिन सी की कमी होती है, आयरन एब्जॉर्ब नहीं कर पाते इसीलिए थकावट सी रह सकती है। तो ये कुछ चीजें हैं जो इसमें आपको क्या करने हैं इसके भी मैंने कुछ कुछ उपाय यहाँ दिए हैं आपको। तो जैसे इसके अंदर हम बोल इसमें आपको दूसरा बात है कि डेंटल इन्फेक्शन बहुत जल्दी कैच होते हैं तो डेंटल केयर बहुत अच्छे से लेना चाहिए, एटलीस्ट 2 टाइम तो भी कम से कम ब्रश करना जरूरी है, विटामिन सी खाने में लेना जरूरी है। इसके अंदर कई बार कोई कोई फीमेल्स ये महसूस करती है कि उनके स्तन में से एक सफेद सा द्रव बाहर लीक हो रहा है निकल रहा है या कभी पानी निकल रहा है, तो इसे डरने की कोई बात नहीं है। आप जो ब्रेसियर पहन रहे आपको आपकी ब्रा का साइज एक साइज बड़ा पहनना है और ब्रा के अंदर पैड्स रखना है, ब्रेस्ट पैड्स जो कहते हैं हम तो वो ब्रेस्ट पैड्स रख सकते हैं। कई बार आपको किसी बहुत लोगों को नेजल ब्लीड मैंने जो बताया अभी गर्मी का वो भी हो सकता है और नेजल कंजेशन भी नाक बंद हो जाना ये कॉमन बात है। तो इसमें आपको क्या करना है आपको स्टीम लेना है, पानी बहुत ज्यादा पीना है, ह्यूमिडिफाइड एयर होना चाहिए, एक नाक को कभी कुरेदना नहीं है कि जिससे और नोज ब्लीड करे। यदि कुछ ज्यादा ही आपको यदि ड्राइनेस लगती है तो आप एक ग्लास पानी के अंदर आप एक ग्लास पानी में एक चुटी भर नमक डाल के इसका एक गुनगुना पानी बना के 2 बूंद अपने नाक में डाल लीजिए, तो इससे आपको ये जो मॉइस्चराइजर है उसका अच्छा उपयोग हो सकता है। एंटी हिस्टामिनिक जमे तब तक कोई गोली नहीं लेना है, आपके डॉक्टर के सलाह के बिना आपको कोई भी दवा नहीं लेना है। यदि आपको स्मोक करते हैं तो उन लोगों को नेजल कंजेशन ज्यादा होता है, यदि आप टोबैको किसी फॉर्म में ले रहे हैं तो भी ज्यादा होता है, तो कृपया ये चीजें का सेवन इस समय में ना करें। और जमे जब तक आप जो भी आपका नैपकिन है हैंड टॉवल है या आपको गुनगुना या मॉइस्ट यूज करेंगे गीला यूज करेंगे तो बहुत अच्छा हो सकता है। मैंने आपको जैसे बताया क्विकनिंग भी ये द्वितीय तिमाही में ही आपको चालू होती है, आपका भले बच्चा आपका 6 हफ्ते से घूम रहा हो आपका 8 हफ्ते से घूम रहा हो 9वें हफ्ते, मैंने जैसे आपको पहले तिमाही के इसमें बताया कि बेबी के मूवमेंट्स कितनी अच्छी आ जाती है ठीक है, पर फिर भी आप इसको महसूस नहीं कर पाते क्योंकि बच्चे का वजन उतना नहीं है। बच्चे का वजन अच्छा बढ़ जाने की वजह से द्वितीय तिमाही में आप 18 से 20 हफ्ते तक बच्चे की मूवमेंट आप फील कर सकते हैं, इसे हम क्विकनिंग कहते हैं ठीक है। इसमें आपको आपको लगने लगता है कि एक्चुअल में अब बच्चा मेरे पेट में किक मार रहा है, तो आपको महसूस होने लगता है कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो आपको ये बड़ी खुशी मिलती है और इसी के द्वारा आपका बच्चा अच्छा है या नहीं है स्वस्थ है या नहीं है ये घर बैठे आपके बेबी के मूवमेंट से अपने आप पता कर सकते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी अब जैसे बच्चे का विकास हो रहा है बच्चे का साइज बढ़ रहा है तो आपका पेट का साइज भी बढ़ रहा है, जिनका पेट का साइज ज्यादा बढ़ेगा उनको स्ट्रेच मार्क्स ज्यादा आएंगे क्योंकि आपके पेट की चमड़ी जो है उसके बीच का जो कोलेजिन है वो कोलेजिन के फाइबर्स ब्रेक हो रहे हैं जिसकी वजह से स्किन थोड़ी सी स्ट्रेच होने की वजह से कोलेजिन फाइबर्स ब्रेक होने की वजह से आपको स्ट्रेच मार्क्स आ रहे हैं ठीक है। शुरुआती में ये हल्के व्हाइट कलर के पिंकिश कलर के रहते हैं पर यदि इस बार आपने खुजली करके नाखून लगाया तो ये काले बन सकते हैं और काले जो मार्क्स बन जाते हैं वो जिंदगी भर आप कितने भी क्रीम लगा लो कितनी महंगी से महंगे इलाज कर लो ये निकलेंगे, ये लाइट जरूर हो जाएंगे हल्के जरूर पड़ जाएंगे जैसे समय के साथ डिलीवरी के बाद में पर ये कभी भी निकलते नहीं है, पर पिंकिश और व्हाइट वाले हमेशा डिलीवरी के बाद में निकल जाते हैं।
व्हाइट और पिंकिश जो रह जाते हैं। तो इसीलिए कृपया करके प्रेगनेंसी में कितनी भी खुजली आओ, नाखून से खुजली पेट पे कभी भी नहीं करोगे। जो इस तिमाही में ये खुजली चालू हो जाती है, यदि आप बहुत ही ज्यादा आपको खुजली आती है तो आपके डॉक्टर से मिलिए, डॉक्टर आपको मेडिकेशन देंगे। या घरेलू तौर पर मैं सबको कहती हूँ कि आप एक नारियल तेल रहता है घर में, उसमें कैम्फर मिला के कैम्फर वाला ऑयल जो है वो पेट पे लगाइए, उससे जैसे सफल रहेगा तो आपको खुजली कम होगी। और स्ट्रेच मार्क ना आए इसके लिए आपको घरेलू इलाज क्या करने हैं, तो ये कुछ चीजें मैं आपको बताती हूँ कि जैसे ये चीजें जो है ये आपके आने वाले स्ट्रेच मार्क को कोई भी बंद नहीं कर सकता, 100% मिटा नहीं सकता, क्योंकि बच्चा पढ़ना है तो स्किन स्ट्रेच होनी ही है, पर इसको जरूर कम जरूर कर सकते हैं हम लोग सिर्फ इसको। हाँ, यदि आपके ट्विन्स हैं, आपके पेट में पानी ज्यादा है, आपको डायबिटीज है प्रेगनेंसी में, इसलिए बच्चे का वजन ज्यादा है, तो ये स्ट्रेच मार्क्स और ज्यादा आएंगे क्योंकि आपका पेट और ज्यादा बढ़ रहा है। तो इसको सिर्फ हम कम करने के लिए कुछ कर सकते हैं, पर 100% आएंगे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। पर हर एक की स्किन अलग होती है, हर एक की स्किन में कोलेजिन अलग अलग मात्रा में होता है, तो आपके कोलेजिन कितना ब्रेक हो रहा है, आपकी बॉडी की टेंडेंसी क्या है, उस हिसाब से आपको स्ट्रेच मार्क आएंगे। और ये कम करने के लिए आपको आपके पेट पर आप एलोवेरा है, कोको बटर है, आप हम ककड़ी कहते हैं तो खीरा जो है, खीरा और लेमन का जूस जो है, ये दोनों जूस मिलाकर यदि आप लगाते हैं, या बादाम और खोबरे का ऑयल मिला के आप लगाते हैं, तो ये कुछ चीजें आपको आपके स्ट्रेच मार्क से प्रोटेक्शन देती है। ठीक है, तो ये जैसे क्या क्या करना है, कुछ चीजें हैं ये मैंने आपके लिए लाई है ये, ताकि आप इसमें से देख के यही एक ही जगह आपको सारी चीजें मिल जाए, आपको और कहीं इधर उधर और खून ना पड़े। ठीक है, फिर अगला पेन जो और आप महसूस कर सकते, जो इस तिमाही में आता है आपको कंप्लेन, वो है लोअर बैक एक। तो यदि आप नियमित एक्सरसाइज व्यायाम कर रहे हैं, आपके बॉडी को स्थूल नहीं बनने दे रहे हैं, तो आपको ये चीजें नहीं होगी। बैक एक इसीलिए होता है क्योंकि आप स्थूल बन रहे हैं प्रेगनेंसी में। आप यदि काम नहीं, अभी आप प्रेग्नेंट हो, मेरे से उठने की इच्छा ही नहीं हो रही, बहुत वॉमिटिंग हुई है 3 महीने में, आपने बहुत ज्यादा रेस्ट किया, ब्लीडिंग था इसीलिए आराम की ज्यादा कर लिया, इस वजह से आपकी बॉडी जो है ये कड़क बन गई है, स्थूल बन गई है। तो इसके स्थूलपना को निकालने के लिए आपको एक्सरसाइजेस प्रेगनेंसी में करना जरूरी है, ताकि डिलीवरी के समय आप में ये स्थूलता ना रहे और आप जोर अच्छे से लगा पाओ। तो लोअर बैक एक, ये प्यूबिक पेन, ये लेग पेन, ये काफी सी चीजें उसी वजह से, इसमें आपको आपके बॉडी का करेक्ट पोस्चर मेंटेन करना, बॉडी जैसे आप बैठते हैं, बैठते समय बेंड करके नहीं बैठेंगे, पीठ का भाग सीधा रख के बैठेंगे, पीठ सीधी रख के बैठेंगे, झुकेंगे डायरेक्ट पीठ से नहीं, यदि कोई चीज जमीन पे से उठानी भी है तो आप नीचे बैठ के पैर फोल्ड करके उठाइए, तो ये सारी चीजें आपको ये तकलीफें नहीं होंगी। यदि आप ओवर स्टेपिंग करते हैं तो भी प्यूबिक पेन होता है, तो ये आप चीजें नहीं करेंगे। ठीक है, कई बार किसी किसी केस में बच्चे का प्रेशर जो है मेन नसों पे ज्यादा आने से पैरों की नसें फूल जाती है, पेशाब की जगह की नसें फूल जाती है, इसको हम वेरिकोज वेंस कहते हैं, तो ये प्रेगनेंसी में बढ़ जाती है। तो इसके लिए हम कहते हैं सोते समय पैर नीचे 3 किलो ले लिया करें, ज्यादा स्टैंडिंग वर्क ना करें, बैठते समय भी पैर ऊंचा करके बैठेंगे, स्टॉकिंग्स आते हैं ये भी पहन सकते हैं आप, स्टॉकिंग्स पैर में पहन के जैसे, पर ये हम कहते हैं प्रेगनेंसी में ज्यादा से ज्यादा स्टॉकिंग 1-2 घंटा सुबह 1-2 घंटा शाम के ऊपर ना पहने, ताकि विनस रिटर्न भी अच्छा रहे और बच्चे को ब्लड सप्लाई भी अच्छे से मिलता रहे। ठीक है, तो जैसे ये चीजें आम बात है अभी प्रेगनेंसी में आने वाली। और कुछ सिम्टम्स हैं प्रेगनेंसी में आप जो और कुछ बदलाव देखते हैं, वो एक है इसमें सबसे बड़ा एक, कई लोगों को पैरों पे स्वेलिंग आती है, पर अर्ली पैरों पे स्वेलिंग आके कई लोग डॉक्टर को दिखाते नहीं है। सब ये जो बदल है आपके बॉडी में, जो स्वेलिंग आने का बदल है, ये जो सूजन आ जाती है पैरों पर, वो अच्छा साइन या सिम्टम नहीं है। यदि आपके पैरों में स्वेलिंग देखते हैं तो तुरंत आपके डॉक्टर को मिलना चाहिए, जिससे कि डॉक्टर इसका रीजन पता कर सके। पैरों पे जो ये जो सूजन आई है, ये हीमोग्लोबिन की बहुत कम मात्रा, या आपके बॉडी में प्रोटीन्स बहुत कम हो गए हैं तो हो सकता है, या फिर आपका बीपी बढ़ने लगा है, ब्लड प्रेशर, आपके ब्लड प्रेशर की शिकायत आने लगी है, बीपी बढ़ रहा है तो हो सकता है। तो ये 3 बहुत मेन रीजन है जिसमें बॉडी पे स्वेलिंग आती है, तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। कॉन्स्टिपेशन, ये पहले 3 माह से ही चालू हो जाता है, इसके लिए मैंने पहले भी बताया था पानी बहुत ज्यादा पीनी चाहिए,
भूखे पेट आप सुबह रोज हल्का गुनगुना पानी लिया करो। हाई फाइबर डाइट लेना है, जितना फाइबर्स लेंगे खाने में उतना अच्छा है, तो ये फाइबर डाइट जो लेंगे उससे अच्छा रहेगा आगे। और जो कुछ सिम्टम्स हैं ये है कि आपके कई बार जो हम कहते हैं कि पिगमेंटेशन जो चेहरे पे है काले दाग है, या पेट पे जो है यहाँ भी काले दाग जो है, पिगमेंटेशन ओवरऑल पूरे बॉडी पे प्रेगनेंसी में बढ़ जाता है, क्योंकि जो पिगमेंटेशन करने वाला जो है मेलानिन जो है, ये मेलानिन का डिपोजिशन प्रेगनेंसी में बढ़ जाता है, इसकी वजह से आपके पिगमेंटेशन के मार्क्स आते हैं। पर आप प्लीज कतई इन चीजों को लेकर परेशान ना हो, ये स्ट्रेच मार्क्स हैं, पिगमेंटेशन हैं, ये सारी चीजें सिर्फ आपको इनको छेड़ना नहीं है, इनको छेड़ेंगे तो ये चीजें बढ़ेगी, तो ये नाखून लगने के बाद में, ये चीजें बढ़ने के बाद में ये कभी नहीं जाएगी। पर सिर्फ सिंपल है तो ये सारे प्रेगनेंसी जैसे ही बंद हो जाएगी, आप डिलीवर हो जाएंगे, आप डिलीवरी के बाद में आपके हॉर्मोन्स बंद हो जाने के बाद में मेलानिन का जो डिपोजिशन था वो बंद हो जाएगा, तो आपको ये सारी चीजें अपने आप से निकल जाएगी। तो आपको इसके लिए पैनिक ना होते हुए बस पेशेंस रखना है और कुछ नहीं। तो मैंने अभी जो बताया इन सारे सिम्टम्स में से आपको वार्निंग साइंस क्या है, तो वार्निंग साइन मैंने जब बताया कि यदि आपका पेट हल्का भी दर्द हो रहा है, बैकएक बहुत सीवियर है, पेट वजाइना पे प्रेशर आ रहा है, बार बार यूरिन को जाना पड़ रहा है, व्हाइट डिस्चार्ज बहुत ज्यादा हो रहा है, या ब्लीडिंग हो रही है, पैर पे स्वेलिंग है, सांस लेने में दिक्कत है, या पेट कड़क हो रहा है, ऐसा कोई भी सिम्टम है तो आपको, या कोई भी साइन है तो आपको तुरंत आपके डॉक्टर को जाकर मिलना है, ठीक है। ये कोई भी हानिकारक साइन सिम्टम्स हो सकते हैं, ये आपके लिए अच्छे नहीं है। अब इस द्वितीय तिमाही में आपको क्या क्या जांचें करानी है, तो जांचें आपके डॉक्टर जो जो कहते हैं वो कराना है, क्योंकि हर एक की प्रेगनेंसी सेम नहीं है, किसी को डायबिटीज होता है प्रेगनेंसी में, किसी को बीपी होता है, किसी को और कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स के हिसाब से अलग अलग जांचें कोई कई डॉक्टर आपको बता सकते हैं। पर मस्ट जो है ये कुछ जांचें जो है ये आपको करनी ही करनी है। तो हर तिमाही में मैंने जैसे पहले बताया था, हम तो कहते हैं कि हर महीने में आपका हीमोग्लोबिन और यूरिन चेक होना चाहिए, पर हर माह यदि आप नहीं कर पाते हैं, जो कि गवर्नमेंट में फ्री में उपलब्ध है, पर यदि आप हर माह में ये जांच नहीं कर पाते हैं हीमोग्लोबिन और यूरिन, यूरिन में भी फिर शुगर आता है, माइक्रोस्कोपी आती है, एल्ब्यूमिन आता है, तो इसमें बीपी आने वाला है क्या, शुगर आने वाली है क्या, पता चल सकता है, ठीक है। पर ये तो करना ही है, पर नहीं हर माह में कर पा रहे, तो एटलीस्ट हर तिमाही में, हर चरण में, जो प्रेगनेंसी का प्रथम चरण है, द्वितीय चरण है, तृतीय चरण के जो कंपल्सरी इन्वेस्टिगेशन है वो करना आपको मस्ट। तो हम द्वितीय तिमाही में कहते हैं कि हीमोग्लोबिन आपको रिपीट करना है, थायराइड आपको रिपीट करना है, यदि आपको थायराइड पहले केस में निकला था या हल्की मात्रा में है तो भी आपको करना है। इसमें एक सबसे जो टेस्ट करनी है द्वितीय तिमाही में 14वें हफ्ते के बाद में, वो है ओरल ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट, मतलब आपको आगे चल के भी यदि शुगर आनी है क्या प्रेगनेंसी में, इस बारे में हम इसमें जांच कर सकते हैं। तो इसमें आपके फास्टिंग शुगर लेते हैं और आपको 75 ग्राम ग्लूकोज देके उसके 2 घंटे के बाद में फिर से शुगर की जांच होती है। इस तिमाही में एनोमली स्कैन करना ये कंपलसरी है। एनोमली स्कैन में आपके बच्चे में कोई भी शारीरिक व्यंग आने वाला है, तो आपके बच्चे का विकास पूरा हो चुका है, तो आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। तो जैसे मेजर एनोमली सारी जो है एनोमली स्कैन में दिख जाती है, सिर्फ लेट डेवलपमेंटल एनोमली जो है, जैसे किसी की सांस की नली ना और खाने की नली जुड़ी है, तो उस जो जीआई ट्रैक की जो एनोमलीज है, जो लेट एनोमलीज है 28 हफ्ते के बाद भी कुछ आने वाली है, वो सिर्फ इसमें नहीं दिखेगी, अदरवाइज मेजोरिटी ऑफ द एनोमलीज इसके अंदर दिख जाती है। तो बच्चे में कुछ भी खौट है, कुछ भी शारीरिक व्यंग है, तो आप उसके बारे में इस तिमाही में सोनोग्राफी द्वारा देख सकते हैं। क्वाड्रुपल मार्कर टेस्ट फिर भी आप एक ऑप्शनल रख सकते हैं। मैं कहूंगी यदि माता की उम्र, यदि आपके डॉक्टर आपको कहते हैं, सजेस्ट करते हैं, तो करिए। आपकी उम्र यदि गर्भधारणा के दौरान पहले गर्भधारणा में 30 साल से ज्यादा है, या द्वितीय गर्भधारणा में 35 साल से ज्यादा है, तो आप ये प्लीज कंपलसरी कराएं। 26 से 28 हफ्ते में फिर से आपको शुगर हीमोग्लोबिन चेक करना है। आपको इस द्वितीय चरण में वैक्सीनेशन मस्ट है, और इस वैक्सीनेशन में जैसे 3 वैक्सीनेशन है, ये द्वितीय चरण से आप 9 मंथ तक कभी भी ले सकते हैं। आपको 2 टिटनस के टीके जो है कम से कम
एक माह के अंतर में लेना है। पहला जो है ये आप प्लेन टिटनस का टीका ले सकते हैं, दूसरा टीका यदि आप चाहो तो प्लेन टिटनस ले सकते हो, यदि आप नहीं अफोर्ड कर सकते तो, पर यदि आप अफोर्ड कर सकते हो तो मेरा सजेशन रहेगा टीडैप या बुस्टिक्स नाम का टीका। इसके अंदर जैसे तीन डिसीजेस कवर होते हैं, टिटनस, डिप्थेरिया और असिल्वर पर्टोसिस यानी कि हूपिंग कफ, तो ये वाला टीका लगाए जिससे कि बच्चे को तीन डिजीजेस से प्रोटेक्शन मिलेगा। और एक आपका टीका जो लगना है वो है फ्लू शॉट, तो ये फ्लू शॉट आप सेकंड ट्राइमेस्टर में, द्वितीय चरण में या तृतीय चरण में कभी भी लगा सकते हैं। आपको द्वितीय चरण में क्या करना है और क्या नहीं करना है तो जस्ट एक गाइडलाइन, ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है हमारे पहले के प्रेगनेंसी के चरण के जो प्रेगनेंसी के चरण क्या होता है उस वीडियो में, तो जस्ट एक स्लाइड एक पास बाय होना और इस चरण में क्या करना है फिर से आपको एक रिवीजन होना, इसके लिए मैंने ये चार्ट फिर से दिया है आपको। क्या खाना नहीं है आपको मैंने पहले भी बताया था कि रॉ मीट नहीं खाएंगे, अनपास्चराइज मिल्क नहीं लेंगे, डॉक्टर के हिसाब से बराबर जो दवा देते हैं दवा का सेवन बराबर रखेंगे, विजिट्स बराबर लेंगे, अल्कोहल स्मोक करेंगे नहीं, तो ये सारी चीजें आपको फॉलो करना है। एक्सरसाइजेस आपको क्या करनी है द्वितीय चरण में, तो मैं दो योगा मेरे स्टाफ द्वारा बनाए गए आपको बताती हूँ। नमस्कार, मैं डॉक्टर सालिया दीपाली सिस्टर के साथ आज लाई हूँ खड़ा माला आसन योग स्टैंडिंग स्क्वाट पोज राठी हॉस्पिटल अकोला भारती राठी की तरफ से। पैरों को घुटने से दूर रखकर खड़े रहे, घुटनों को जरा मोड़े, हाथों को नमस्कार की अवस्था में जोड़े, सांस अंदर लें, हाथों को अपने सर के ऊपर तक सीधे उठाएं। जैसे ही आप सांस छोड़ते हैं धीरे से माला आसन में नीचे जाएं, अपनी कमर और जांघों को नीचे की तरफ ले जाएं, इस तरह कि आप कुर्सी के कोने पर बैठे हुए नीचे की तरफ झुके के पैरों को स्ट्रेच देकर सीधे हो जाएं। हाथों को नमस्कार की अवस्था में वापस ले आए। इस प्रक्रिया को बार बार दोहराएं। सांस अंदर लें और हाथों को ऊपर की तरफ उठाएं। सरलता से एक अवस्था में दूसरी अवस्था में जाएं। सांस के साथ सांस छोड़ें। माला आसन में नीचे जाएं। इस पोजीशन में 3 से 6 सेकंड पैरों को स्ट्रेच करके सीधे हो जाएं। सांस छोड़ते हुए अपने हाथों को नमस्कार की अवस्था में वापस ले आए। धीमे से अपनी असल अवस्था में वापस आए। आप जितना कर पाते हैं उतना आपके लिए ठीक है, पर जरूरी नहीं है, यदि आपको पहले से योगासन की आदत नहीं है तो आपको 15 मिनट से ज्यादा योगासन नहीं करना। यदि आप पहले से योगासन करते आए हैं, आपको स्ट्रेचिंग की आदत है, तो आप 30 मिनट तक भी योगासन कर सकते हैं, पर यदि आपको आदत नहीं है तो धीमे धीमे पोस्चर बढ़ाइए। आप जितना कर पाते हैं, जितना झुक पाते हैं उतना झुकिए, क्योंकि ये ध्यान रखिए कि आपका पैर ना स्लिप हो, क्योंकि आपके साथ में एक और जान आपका नन्हा बच्चा आपके पेट के अंदर है, उसको लेकर आप ये सब कुछ कर रही है, है ना, तो इसीलिए आपको सारे केयर लेना जरूरी है। नमस्कार, मैं डॉक्टर सालिहा दीपाली सिस्टर के साथ आज हम सीखेंगे श्रोणि चक्रासन या हिप रोटेशन पोज। सबसे पहले पैरों को अलग अलग करें और अपने हाथ कमर पर रखें, थोड़ा सा घुटनों से आगे की तरफ झुके और अपनी कमर को घुमाएं। सांस लें और छोड़ें। अब अपनी अवस्था में वापस आ जाएं। सांस लें और छोड़ें। अब कमर को दूसरी दिशा में घुमाएं। घुटनों को ढीला रखें। ऊपरी शरीर और गर्दन के भाग को स्ट्रेट रखें। इस प्रक्रिया को घड़ी की सीधी और उल्टी दिशा में 10-10 बार दोहराएं। सांस लें और छोड़ें। अपनी असल अवस्था में वापस आ जाएं। धन्यवाद।
ये तो मैंने हर ट्राइमेस्टर वाइज कुछ करने के कंपलसरी एक एक दो दो आसन के ही सिर्फ यहाँ वीडियो बताया है। इसके डिटेल वीडियो का एक फिर से सेशन, एक पूरा वीडियो मैं आपको दूंगी जो आप प्रेगनेंसी में कर सकते हैं, तो इसका हम आगे देखेंगे ही कैसा करना है। डाइट क्या खाना है, तो इसका मैंने पूरा अलग से आपको पूरा चार्ट बना के दिया हुआ है कि आपको पूरे प्रेगनेंसी में डाइट कैसा रखना है। तो द्वितीय दूसरे चरण का डाइट का एक जस्ट एक स्लाइड आपके पास रहना है। इस चरण में भी फिर से जाके आपको दूसरा वीडियो नहीं देखना है कि कौन सा क्या खाना कब क्या खाना है, तो इसलिए मैंने इसके साथ भी आपको ये वीडियो एक स्लाइड दिया है। ठीक है, तो जैसे क्या खाना नहीं है ये भी मैंने आपको बताया था कि प्रेगनेंसी में क्या चीजें आपको अवॉइड करनी है, क्या चीजें आपको खाना नहीं है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की है। द्वितीय चरण के मिथ्स क्या है, तो ये क्या बोलते हैं कि क्यों, इसमें भी कई लोगों के कुछ अलग विचार होते हैं, जितना बड़ा बच्चा उतना बच्चा का साइज बड़ा उतना मेरा बच्चा अच्छा है। बच्चे बड़ा या छोटा ये साइज के हिसाब से भी ऑन एन एवरेज आपका 2.5 से 3 किलो बच्चा कम से कम होना चाहिए ताकि वो स्वस्थ बच्चा कहला सके। स्वस्थ बच्चे के लिए इंडियन, मैं आपको वेस्टर्न कंट्रीज के चार्ट्स नहीं दे रही हूँ, वेस्टर्न कंट्री में मिनिमम 3 kg बर्थ वेट जो है वो 3 kg कहते हैं, पर हमारे हिंदुस्तान में हम इसे 2.5 से 3 किलो का भी बर्थ वेट हम स्टैंडर्ड बर्थ वेट मानते हैं। ठीक है, बहुत हेवी वजन वैसे आपको घर में ही कोई उठाने नहीं देगा, पर हल्का फुल्का काम आप सब कुछ करना चाहिए, आपके बॉडी को स्थूल ना बनने दे, आपके बॉडी को कड़क ना रखें। आप जितने योगासन करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, काम करते रहेंगे, हल्का फुल्का काम करते रहेंगे, झुकेंगे नहीं, झुकने के जो डायरेक्ट काम है उसे आप करने का तरीका आपके डॉक्टर से जानेंगे, वो आपके क्लासेस में आपको बताएंगे कि आपको कैसा करना है, तो उस तरह से काम करिए। पर काम नहीं करना है ऐसा कोई भी नहीं है, प्रेगनेंसी में आप काम कर सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि मैडम ये खून बढ़ने की गोली खाने से मेरे बच्चे की स्किन डार्क हो जाएगी, काली पड़ जाएगी, ऐसा करते ही नहीं है। ठीक है, आपको हीमोग्लोबिन हमारे खाने में इतना अच्छे से नहीं मिल पाता, हमारा आयरन सोर्स, क्योंकि हमारे भारत में करीबन 50% लोग वेजिटेरियन हैं और वेजिटेरियन लोगों में आयरन एब्जॉर्प्शन बहुत कम होता है, तो इसीलिए आयरन की टैबलेट्स हमारे लिए कंपलसरी है। ठीक है, कई लोग बोलते हैं कि मेरा बेबी को गोरा बनने के लिए मुझे केसर खाना चाहिए। आपके बेबी का जो कलर है, स्किन का कलर है, ये उसके जीन्स पे डिपेंड है, उसके जीन्स के हिसाब से ही उसका कलर रहेगा, भले आप कितना भी सैफ्रॉन खाओ। हाँ, जरूर से ये थोड़ा सा लाइट करता है, ऐसा कई स्टडीज आयुर्वेद के स्टडीज जो है ये मानते हैं कि थोड़ा ये लाइट करता है, खाने में कोई हर्ज नहीं है, आप खा सकते हैं, पर ये ना सोचे कि उसकी वजह से मैंने इतना खाया या मैंने नारियल का अंदर का घी इतना खाया फिर भी मेरा बच्चा मैडम काला हो गया, ऐसा कभी नहीं, वो जींस में ही रहेगा। आपको ये सेक्स करना नहीं है ऐसे कई लोगों की धारणा है, खाने में तो कई धारणाएं मैंने पहले भी बताया था कि गुड़ नहीं खाना है, पपई नहीं खाना, पपीता खाने से ऐसा होता है, पाइनएप्पल खाने से, ये कई चीजें नहीं होती है। कोई भी चीज अति मात्रा में खाने से प्रॉब्लम करती है, आप रोज एक पपई की प्लेट खाओ, एक प्लेट पपई खाइए, एक नारियल लीजिए, आपको कोई भी चीज गर्म नहीं करेगी। ठीक है, सेक्स आप कर सकते हैं, सेफ सेक्स प्रेगनेंसी में, अभी सेकंड द्वितीय चरण में सेफ है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आशा करती हूँ कि आपको ये सारा वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब करिए। तीसरा चरण लेके जल्द ही पहुंचेंगे, और इंग्लिश में भी और हिंदी में भी खाने को लेके वीडियोज जो है, मुझे कई लोगों के फोन आए थे कि मैडम डाइट का जो वीडियो एक हिंदी में बनाइए, तो जल्द ही मैं वो लेकर आ रही हूँ आपके लिए।